हाय गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो काफ़ी दिनों से मैं एक प्रॉब्लम के बारे में आपको बताना चाह रहा था, लेकिन केस नहीं मिला मुझे, और आज ये केस मिला है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस गाड़ी की सिग्ना ये को ना। अरे सॉरी 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 सॉरी। हाँ तो देखिए, BS4 और 6 गाड़ियों के अंदर ये दिक्कत है कि अपने जो ये किलोमीटर सेंसर है ना, ये जो अपना स्पीड बताता है, ये गियर के ऊपर लगा हुआ है और इसके अंदर 3 वायर के कपलर है। और इस क्या होता है कि ये अगर ख़राब हो जाए या इसकी वायरिंग में कोई दिक्कत आ जाए तो गाड़ी एक्सेलेटर छोड़ेगी, पिकअप नहीं लेगी, लोड नहीं लेगी, ये सब दिक्कत आएगी। कभी कभी क्या है कि इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। और हमारे पास ये आई है गाड़ी, तो मेरी यूट्यूब फैमिली के अंदर तो आप सभी लोग एक्सपर्ट हो, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ इसकी वायरिंग देखते हैं अभी। चलो तो यहाँ पे देखिए, ये इसका वायर है और ये इसको ऊपर ले लेते हैं ताकि आपको देखने में थोड़ा सा सही रहेगा। यहाँ चेक नहीं करेंगे इसको, थोड़ा खींच के ऊपर ले लेते हैं साले को। तो इस पिन के अंदर देखिए 3 वायर है, एक में आता है ग्राउंड, एक में है 5 वोल्ट और एक है 24 वोल्ट। भूलना मत, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। ओके ठीक है, चलो अब इसको सही से दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर देखिए 24 वोल्ट आ रहा है हमारा, तो सप्लाई में कोई कमी नहीं है, सप्लाई आ रही है। ओके तो अब इसका ग्राउंड चेक करते हैं। ये लिया हमने कंटिन्यूटी पे और सुनना यहाँ पे बीप की आवाज़ आएगी। तो ग्राउंड भी हमारा सही है, अब देखते हैं सिग्नल। तो देखिए इसके अंदर सिग्नल भी आ रहा है बराबर, तो इसका मतलब समझे, मतलब सेंसर ख़राब है। अच्छा हाँ, और इसकी कीमत है भाई साहब 1010 रुपये, छोटा सा है, लगाते हैं इसको। तो हम जब तक इसको लगा रहे हैं तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक, और आपके मन में कुछ है तो वो नीचे कमेंट करके बताएं। और ये देखिए, ये हमने पुराना निकाल दिया है, नया लगा रहे हैं। तो ये देखिए लैपटॉप के अंदर फॉल्ट दिखा रहा है, और इसको हम बाहर निकाल के चलाएँगे गाड़ी को तो इसका फॉल्ट ऑटोमेटिक ही हट जाएगा, मैं नहीं हटाऊँगा। तो सेंसर यहाँ पर लग गया है कम्प्लीट, अब गाड़ी को करते हैं स्टार्ट और इसको बाहर ले कर थोड़ा सा चलाते हैं। तो देखिए ये गाड़ी का लुक देखिए आप, और लैपटॉप को भी अंदर ले लेते हैं आपको दिखाने के लिए, क्योंकि मैं कुछ नहीं करूँगा, फॉल्ट कोड अपने आप ही इनएक्टिव हो जाएगा। तो मैं आ गया हूँ गाड़ी के अंदर, और अंदर का लुक उस्ताद ने कुछ अच्छा कर रखा है, और इसको लेते हैं बाहर। आ गए हैं हमारे उस्ताद जी, और निकालते हैं इसको बाहर पीछे। तो यहाँ पे देखिए हमने गाड़ी को 2-3 बार आगे पीछे किया और ये फॉल्ट तो इनएक्टिव हो गया है अपना आप ही। ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, हमने कुछ नहीं किया अभी तक, इसको थोड़ा सा आगे पीछे किया और ये इनएक्टिव हो गया। अब चलिए इसके अपन क्लियर कर देते हैं, इसके ये फॉल्ट जो इनएक्टिव है इनको भी क्लियर करना ज़रूरी है, तो इनको भी कर देते हैं। बाकी ये अपना आप ही हुआ था इनएक्टिव। तो इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक, और नीचे आपके मन में क्या है वो कमेंट करके नीचे बताएं। और मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के ऊपर, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। तो प्लीज़ सपोर्ट करें, हमारा बहुत मेहनत लगती है, काम भी करना होता है और सब कुछ करना होता है। तो जय भद्रकाली सरकार, जय भद्रकाली।